नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। गुड़गांव में जिला परिषद का चुनाव बीजेपी को काफ़ी भारी मत से हार देखना गया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इसमें इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे चैनल हैप्पीनेस इंडिया को देने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल को भी, बहुत बहुत। हरियाणा में जो चुनाव हुए और गुड़गांव में खास तौर से जो चुनाव हुए जिला परिषद के, उसमें बीजेपी का जो है ना असली चेहरा सामने आया। जो इन्होंने झूठ बोलने का काम करा, जनता को ठगने का काम करा, उसमें इनकी करारी हार। और विधानसभा और आने वाले जो है ना निगम के जो चुनाव हैं, इनमें भारी इनको जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय ठग पार्टी है। इन्होंने जनता के साथ झूठ बोल के जो है ना सत्ता अपनाई थी और आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ख़राब होगा। इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जनता इनको जवाब देगी। जैसा कि देखा जा सकता है 10 में से बीजेपी को 4 मत मिले हैं, 6 हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी जनता की हितैषी है। कांग्रेस पार्टी 70 साल से कांग्रेस ने विकास करा है। इन्होंने आज तक देखो, गुड़गांव के हॉस्पिटल है ये काफ़ी साल हो गए, ये टूटा पड़ा, इन्होंने हॉस्पिटल दिन बनवाए। इन्होंने अपना जो है ना रेस्ट हाउस बनवा दिया, जो जनता की मूल सुविधा है ना। स्कूल बनवा पाए आज तक, स्कूलों में वैकेंसी खाली है, बच्चे जो है ना। और ये नई नई योजना बना रहे हैं, अगर बच्चों को जो है ना पैसे देने पड़ेंगे सरकारी स्कूल, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा से जो है जो वंचित रहना पड़ते हैं, ये जो है प्राइवेट स्कूलों से पैसा लेके जो है ना इनको जो है ना अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ख़राब होगा।